जय श्री राम। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के पराठे। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरीके से कट कर लिया। उसमें आधा छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाल लिया, आधा छोटा चम्मच नमक डाल लिया, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डाल लिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल ली, चुटकी भर हींग डाल ली और आधा छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल लिया। सभी मसालों को प्याज में इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक थोड़ी बड़े साइज़ की रोटी बेल ली है। यहाँ पर आप पराठे का जैसा भी साइज लें, छोटा बड़ा, उस हिसाब से रोटी बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हल्का सा मैंने रोटी के ऊपर घी लगा दिया और फैला दिया, और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा ताकि प्याज अच्छे से चिपक जाए और फिलिंग के बाद हमारा पराठा ऊपर से फटे नहीं। अब हम स्टफिंग डाल करके इसे फिल कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पराठे को अच्छे से चारों तरफ से, और इसको थोड़ा सा हाथ की सहायता से बढ़ाएंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से हम फैला लें ताकि एक जगह बहुत सारा आटा इकट्ठा ना होए। अब थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे और इस तरीके से लगा करके हम दोनों हाथों की सहायता से पराठे को बढ़ाने के बाद हल्के हाथ से बेलन की सहायता से बढ़ा लेंगे ताकि जो फिलिंग है हमारी पराठे में अच्छे से पूरे में फैल जाए और पराठा भी अच्छे से हमारा बढ़ जाए, यानी कि अच्छे से तैयार हो जाए। और यहाँ पर मैंने गैस फ्लेम को ऑन करके तवा गरम कर लिया है, और अब हम इस पराठे को तवा गरम होने के बाद तवे पर इस तरीके से डाल लेंगे सेकने के लिए। गैस फ्लेम को आप यहाँ पर हल्का सा हाई कर सकते हैं। तब तक हमारा पराठा एक तरफ से सिकता है, हम दूसरा पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम चिमटे की सहायता से इस पराठे को हल्का सा ऊपर उठा करके देखेंगे हमारा पराठा सिक चुका है या नहीं। तो अभी पराठा हल्का सा अच्छे से नहीं सिका है, तो मैंने वापस ही पराठे को उसी तरफ से सेकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर मेरा दूसरा पराठा मैं बेलन की सहायता से इस तरीके से बढ़ा रही हूँ, और यहाँ पर ये पराठा सिक चुका है तो मैंने पलट दिया। अब मैं यहाँ पर देसी घी लगा रही हूँ पराठे के ऊपर। आप जो भी ऑयल या घी खाने में यूज करते हैं वही यहाँ पर आप लगा करके पराठे के ऊपर पराठे को सेक लें। इस तरीके से लगा लेंगे और इस तरीके से पराठे को पलट लेंगे। आप देख रहे हैं दूसरी तरफ से भी पराठा सिक चुका है, और चम्मच की सहायता से हल्के हल्के हाथ से हम दबाते रहेंगे और घी लगाकर सेकते रहेंगे। इसको मैं बार बार इसलिए पलट रही हूँ ताकि पराठा अच्छे से दोनों तरफ से बराबर सिक जाए, कच्चा ना रहे। और इस पराठे को हम चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, दूध के साथ, दही के साथ, छाछ के साथ या मीठी लस्सी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस पराठे को बड़े, बुजुर्ग, बच्चे सभी बहुत अच्छे से खुश होकर खाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा करके प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।